हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। गुड इवनिंग विनय उद्धव, गुड इवनिंग। चलो एक बार कंफर्म कर दीजिए, निशिता गुड इवनिंग, एक बार कंफर्म कर लीजिए ऑडियो में कोई इश्यू तो नहीं है। ओके ग्रेट। चलो मेरे ख्याल से सब लोग जुड़ गए होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास। ठीक है जी, तो कल कुछ पढ़ा था कैपिटल वेस्टिंग में, और कैपिटल वेस्टिंग में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में मैंने आपको दो चीजें बताया था, एक शब्द लिया था रियल कैश फ्लो, और एक शब्द लिया था नॉमिनल कैश फ्लोस। रियल कैश फ्लो है और नॉमिनल कैश फ्लोस। नॉमिनल कैश फ्लो का मतलब इन्फ्लेशन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इन्फ्लेशन जुड़ा है, और रियल कैश फ्लो का मतलब विदाउट इन्फ्लेशन। और मैंने ये सिखाया था कि रियल कैश फ्लो से नॉमिनल कैश फ्लो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने, दो एग्जाम्पल लिखवाया था सर। ठीक है, तो अब जवाब देना है आपको, दो एग्जाम्पल लिखवाया था शायद, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, हाँ दो एग्जाम्पल थे, मानसिक, किशन, बंसल, मेरे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे साथ साथ लिखना है आपको। ईयर, और एनसीएफ का मतलब नॉमिनल कैश फ्लो। तनिष्क गुड इवनिंग। ईयर और नॉमिनल कैश फ्लो, 1 2 3, 3 साल। और आपको मैं नॉमिनल कैश फ्लो दे देता हूं, और नॉमिनल कैश फ्लो दे दिया 80,000। याद रखना, नॉमिनल कैश फ्लो का मतलब है इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, 80,000, फिर 60,000 और 40,000। और सर इन्फ्लेशन का रेट क्या है? इन्फ्लेशन का रेट है 5% पर एनम, 5% पर। और पक्का पक्का आप सब समझदार हो, मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं, कैलकुलेट रियल कैश फ्लो। रियल कैश फ्लो निकालना फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। याद रखना रियल से नॉमिनल में जा रहे थे, इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि नॉमिनल से रियल में आना है। फटाफट से आंसर चाहिए, फर्स्ट ईयर का क्या आएगा, सेकंड ईयर का क्या आएगा, थर्ड ईयर का क्या आएगा? तो वैजंती निशिता, 76190 फर्स्ट ईयर का आ चुका है। सेवन सिक्स वन नाइन जीरो सेकेंड ईयर का आ रहा है, 5442। बिल्कुल सही है, देख लेते हैं रियल कैश फ्लो। फर्स्ट ईयर का 80,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1.05 पावर 1। अंश का आंसर है, पहला है 76190 और दूसरा आंसर आ गया मेरे पास 5442। सही है, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर क्या हो जाएगा, 2।
और थर्ड ईयर का आएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 1.05, पावर क्या हो जाएगा? 3। आंसर थर्ड ईयर का क्या आ रहा है बोलते जाओ, 36281, ठीक है, राउंडेड ऑफ कर लेते। शुभेंदु का क्या आंसर है? 34554। चालीस हजार डिवाइड 1.05, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 4, ठीक, 3, 4, 5, 5, 4, ओके 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 ओके, 3, 4, 5, 5, 4, सही, ओके ओके ओके, ठीक है। सेकेंड ईयर का 5, 4, 2, हाँ सही है श्रेया, 3, 4, 5, हाँ जी सभी का सही है, सभी का सही है, मानसी आपका भी सही है। चले आगे, और एक एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल, बिल्कुल याद रखना कि आज हमको क्वेश्चंस करने हैं और आइए जी एक टॉपिक ही खत्म करने वाले हैं। देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर कौन सा होगा? ओ Year, वीडियो में लैगिंग हो रहा है, सभी के साथ ये इश्यू है। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं, 1, 2, 3, रियल कैश फ्लो 32,000, 40,000, 25,000। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन, तो क्या आ जाएगा? नॉमिनल कैश फ्लो। अब देखो बेटे ध्यान से काम, अब सर इन्फ्लेशन का रेट भी तो बता दीजिए, इन्फ्लेशन का रेट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 10%, 9%, 12%। फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन है 10%, सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन है 9%, और थर्ड ईयर में इन्फ्लेशन है 12%। कैलकुलेट नॉमिनल कैश फ्लो, कैलकुलेट नॉमिनल कैश फ्लोस। अब बताओ तो जानू, जल्दी जल्दी आंसर देना, वेट कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर इन्फ्लेशन है 10%, सेकेंड ईयर है ईशा 29091, फर्स्ट ईयर का तो निकाल लिया, नॉमिनल कैश फ्लोस 32,000 और इन्फ्लेशन कितने परसेंट है? 1.10। पहले का 35,200, फर्स्ट ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो है 35,200, हाँ सभी का सही है। कुछ बच्चों ने सेकेंड ईयर का भी निकाल लिया, मैं वेट कर रहा हूँ सेकेंड ईयर के, 43,600। सेकेंड ईयर का चेक कर लेते एक बार, चालीस हजार। पहले साल जो इन्फ्लेशन होगा वो कितने परसेंट से होगा? 10%। इट मीन्स 1.10 इंटू 1.09,
40,000 इंटू 1.10 इंटू 1.09 आंसर आ रहा 47960 ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए कि 4796 भाई बढ़ रहा है ना। अच्छा पहली बार बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। अब चलो थर्ड ईयर देखे। यस सर 30,000 आप तो समझ ही गए हो इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.12 33572 ठीक है किशन सही आंसर है 33572 सही है अमानसी सही है सभी का सही है। चलो जी अब मैसेज नहीं करोगे अब एक कॉन्सेप्ट समझाना है बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। तैयार हो? यस तो मैं कैलकुलेशन करवा रहा था मैं बात कर रहा था रियल कैश फ्लो और नॉमिनल कैश फ्लो। अब मैं दूसरा कैलकुलेशन समझाऊंगा और वो है पॉइंट नंबर टू। इन्फ्लेशन ही चल रहा था इन्फ्लेशन में पॉइंट नंबर वन था रियल कैश फ्लो और नॉमिनल कैश फ्लो। अब कर रहा है पॉइंट नंबर टू जिसमें मुझे आपको सिखाना है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नॉमिनल कैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखते जाना मेरे से। अब सुनना बच्चों ध्यान से ये कंपनी और आपने लगाया है प्रोजेक्ट में पैसा और किससे पैसा उठाया है शेयर होल्डर से यहां से पैसा उठाया और इस प्रोजेक्ट में लगाया और इन्फ्लेशन तो था ही नहीं पहले भी। हाँ सर इन्फ्लेशन नहीं था तो इनको जो देना पड़ता है इनसे जो कैपिटल उठाया उस पर जो देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% कोई दिक्कत नहीं आप हो शेयर होल्डर आपको 10% दिया जा रहा है और हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगा लिया तो आपसे जब मैंने पैसे लिए थे उस समय इन्फ्लेशन था नहीं तो हम 10% लेते थे बात खत्म हो गई। लेकिन अब इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन से आपका अगर इन्फ्लेशन है तो नो डाउट कि आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। अगर इन्फ्लेशन पिक्चर में पैसा ज्यादा आएगा पर मांगने वाले भी तो ज्यादा मांगेंगे इट मींस ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इन्फ्लेशन का फर्क दो जगह पड़ेगा एक पैसा जो आएगा उस पर तो फर्क पड़ेगा पड़ेगा और एक इनको जो देना है उस पर भी तो फर्क पड़ेगा। यस इट मींस मुझे बताओ इसमें इन्फ्लेशन है या नहीं अभी मैं बोल रहा हूं नहीं है तो इसका और एक नाम बोल सकते हो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है पर इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा रियल या नॉमिनल। रियल रियल अगर अगर इन्फ्लेशन नहीं नहीं था तो इसका नाम क्या था रियल। इट मींस अभी तक इन्फ्लेशन था ही नहीं कैपिटल बस्टिंग में तो हम लोग क्या करते थे हम लोग फ्यूचर के जो कैश फ्लो है रियल कैश फ्लो हाँ जी सबका आंसर सही है रियल जो रियल कैश फ्लो है उसको डिस्काउंटिंग किससे करते थे रियल डिस्काउंटिंग विदाउट इन। लेकिन जब अगर आप यहां इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी तो इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इट मींस एक बात एक चीज कसम खाते हैं कि रियल कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग किससे करोगे रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर इधर इन्फ्लेशन जोड़ रहे हो मतलब नॉमिनल कैश फ्लो है तो डिस्काउंटिंग किससे करोगे नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां तक ठीक है और मुझे क्या सिखाना है मुझे यह सिखाना है कि रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी
तो लिखोगे इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं डिस्काउंटिंग रेट लिखूंगा तो ज्यादा, कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट मैंने आपसे बोला था रियल कैश फ्लो को रियल डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे, इस बात को मैं लिखवाऊंगा, ठीक है प्रशांत? जब लिखवाऊंगा तो पूरी बात हो जाएगी फिर से। कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट फ्रॉम रियल डिस्काउंटिंग रेट। अब ध्यान से समझना है, पहले मैं डिस्काउंटिंग रेट करवा देता हूं और उसके बाद आराम से मैं समझाऊंगा, लिखवाऊंगा सारी चीजें, चिंता ना करो सारी चीजें लिखवाऊंगा। मेरा ये कहना है आर डी आर बोलो, लिखना नहीं अभी सुनना है, बस सुनना है, आर डी आर बोलो तो कोई समस्या नहीं है। 10% इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ है, लिखोगे नहीं सिर्फ सुनना है, और इन्फ्लेशन है मान लो 5%, मान लो इन्फ्लेशन है 5%, तो यह रियल डिस्काउंटिंग रेट है 10% और इन्फ्लेशन प्रीमियम भी बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन है 5%, तो कोई है जो इन्फ्लेशन मिलाकर बता देगा कि कितना आएगा? इन्फ्लेशन मिलाकर बताओ, इट मीन 10% में इन्फ्लेशन नहीं है और इन्फ्लेशन जोड़ना तो पड़ेगा 5%, तो बताइए इन्फ्लेशन मिलाकर नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट कितना आएगा? इट मीन सामने वाले से आंसर आ रहा है 10.5%। और सुन लेता हूं बच्चों से, और एक आंसर आ रहा है ईशा का 11.5%। कोई है जिसका आंसर आ रहा 15%? कोई है आप में से? सबका आंसर 10.5। 10% में 5% जोड़ोगे तो 10.5% आ जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? अंश का आंसर है 9.52%, तनिष्क 10.5%। हे भगवान, 10% में 5% जोड़ोगे तो 10.5% आएगा कि 15% आएगा? चलो आंसर 15% भी आ रहा है बच्चों का मेरे बोलने के बाद, पर अब सुनना। हाँ ईशा 15% आने लगा, वाओ श्रेया 15%, पर कहानी तो कुछ और ही है। अब सुनो कहानी क्या है, चलो अब मेरी बात सुन लो भाई, 5 मिनट मेरी बात सुन लो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 15% सही है कुछ हद तक, पूरी तरह से सही नहीं है, ध्यान से समझना मैं जो कहने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब मैं मैसेज नहीं देख रहा हूं, एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा उसके बाद। सर ये क्या है? यह है बैंक, और ये कौन है? सर ये है राम, और राम बैंक में पैसे जमा कर रहा है। तो किस लिए? वो क्या चाह रहा है? वो बैंक से बोल रहा है सुनो बैंक, बैंक आपके यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोले हमारे यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अभी इन्फ्लेशन नहीं है, बिना इन्फ्लेशन के, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रियल है कि नॉमिनल है? सर इन्फ्लेशन है ही नहीं है तो पक्का पक्का ये कौन सा है? रियल है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, रियल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते, रियल रेट
कितना परसेंट है? 10%। बोले आपको मिल जाएगा 10% पर एन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। राम अगर बैंक में पैसा जमा करे, सारी बातें समझाऊंगा कि सर बैंक में जो मिलता है हमको रिटर्न मिलता है वो रियल होता है कि नॉमिनल, वो बाद में समझाऊंगा, पर पहले मैं मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं इन्फ्लेशन नहीं है। तो राम जो बैंक में पैसा जमा करेगा उसको कितना परसेंट मिलेगा? 10%। राम को कितना पैसा जमा करना है? तो राम कह रहा, सुनो बैंक मेरी बात समझो, आज ये जो कैलकुलेटर है इसकी कीमत कितनी है? 1100 रुपए। तो बोले मुझे ना ये कैलकुलेटर खरीदना है। कैलकुलेटर कितने का है? कैलकुलेटर 1100। और कैलकुलेटर अभी भी 1100, इन्फ्लेशन तो है नहीं, और फ्यूचर में भी कितने का होगा? 1100 का होगा। तो प्लीज बैंक आप बता दीजिए कि आज कितना पैसा जमा करूं कि एक साल बाद मुझे 1100 रुपए मिल जाए कि मैं कैलकुलेटर खरीद लूं। और रेट कितना है? 10%। कोई बता सकता है कि आज कितना पैसा जमा किया जाए? आज कितना पैसा जमा किया जाए कि मुझे एक साल बाद 1100 रुपए मिल जाए? मुझे ये कैलकुलेटर खरीदना है जिसकी आज कीमत 1100 है और इन्फ्लेशन नहीं है। आंसर कितना आएगा? 1100 डिवाइडेड बाय 1.10। सिंपल सी बात है। बोलो आज कितना रुपए जमा कर सकता हूं मैं? 1000। 1000 रुपए। ठीक, बैंक से मैंने फिर बोला सुनो, बैंक से मैंने कहा सुनो 1100। बोले हाँ 1000 रुपया जमा कर दो, एक साल बाद विद इन्फ्लेशन आपको मिल जाएगा 10%, तो टोटल मिल जाएगा 1100 रुपए। मैंने कहा बैंक सुनो एक बात, अगर इन्फ्लेशन पिक्चर में है तो बोले इन्फ्लेशन पिक्चर में तो हम आपको 10% नहीं देंगे, हम आपको इन्फ्लेशन जोड़ के देंगे। सिंपल सी बात है, अभी इसमें इन्फ्लेशन नहीं था, अगर इन्फ्लेशन पिक्चर में है तो मुझे इन्फ्लेशन का भी तो पैसा मिलेगा। राम कह रहा है भाई सुनो बैंक, इतना दे देना कि मैं कैलकुलेटर खरीद लूं। और मान लो इन्फ्लेशन का रेट है 5%, बता सकते हो बैंक से मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना परसेंटेज चाहिए विथ इन्फ्लेशन कि मैं कैलकुलेटर खरीद लूं? 10% में काम नहीं होगा, जमा 1000 ही करना है, पर विथ इन्फ्लेशन कितना मिलेगा कि मैं कैलकुलेटर खरीद लूं? कितना परसेंटेज? परसेंटेज निकाल लो, बात खत्म। सर कैलकुलेटर कितने का है? अभी बिना इन्फ्लेशन के तो 1100 रुपए का था, इन्फ्लेशन है 5%। तो बैंक में अगर आपके पास 1000 जमा करूं तो मुझे रियल तो देना ही देना, साथ में इन्फ्लेशन भी देना, टोटल मिलाकर कितना मिलेगा कि मैं कैलकुलेटर खरीद लूं? परसेंटेज में चाहिए मुझे, परसेंटेज। पंद्रह परसेंट मिलेगा पक्का? अगर बैंक वाला 15% देगा तो क्या मैं कैलकुलेटर खरीद सकता हूं? कैलकुलेट आंसर आ रहा है 11.55%। सुनो बच्चे, कैलकुलेटर की कीमत 1100 रहेगी कि बढ़ जाएगी? कैलकुलेटर की कीमत क्या हो जाएगी प्लस इन्फ्लेशन कितना है? 5%। तो बोलो कैलकुलेटर की कीमत कितनी हो जाएगी? 1100 प्लस 5%, 1100 प्लस 5%, तो टोटल मिलाकर कैलकुलेटर की कीमत हो गई 1155। बैंक वाले से कितना मिलना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, बैंक वाले से परसेंटेज में बताओ कितना मिलना चाहिए? हाँ, एक आंसर आया कि सर बैंक वाले से मिलना चाहिए विथ इन्फ्लेशन 15.5%। परसेंटेज में चाहिए था मुझे। हाँ, अब आ रहा है सबके सब लाइन पे, 11.55% नहीं 15.5%। सर कैसे 15.5% आ रहा, बताओगे एक बार? हाँ, परसेंटेज में बता सकता हूं, मुझे चाहिए बैंक वाले से 1155। कितना जमा करना है आज? 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो आंसर आ गया 15. सही है ना यार?
155 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर आ रहा 15.5%। तो बताओ रियल रेट कितना है? रियल सर 10%। और इन्फ्लेशन अगर जोड़ के, मुझे चाहता हूं कि इन्फ्लेशन जोड़ के मिले, तो बोलो 15 नहीं आएगा। बैंक वाला तब देगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। और बैंक वाला कितना देगा? बैंक वाला देगा 15.5, तब मेरा काम पूरा होगा, क्योंकि यार चीजों में भी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इट मींस रियल रेट कितना दिखाई दे रहा है? सर रियल रेट दिखाई दे रहा है, रियल कितना है 10%, और नॉमिनल रेट कितना आ गया? नॉमिनल आ गया 15.5%। हाँ जी राहुल का कहना सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। मैं बस आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं, आराम से सोच के बता दो। सिंपल सी बात है, हालांकि फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले पे जाना नहीं चाहता। अभी सिंपल सी बात ये है कि जो 1100 का कैलकुलेटर है, बैंक वाले से डील हुई थी, उसने कहा रेट चल रहा है 10%, अब 1100 का 1100 ले लेना। हाँ जी 1100 का 1100 रुपए मिल जाएगा, मतलब आपको 10% मिल जाएगा, आप कैलकुलेटर खरीद सकते हो। पर यार इन्फ्लेशन है, और बैंक वाले ने कहा कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो जो भी आपको पड़ेगा ना इन्फ्लेशन की वजह से, वो हम देने को तैयार है। तो मैं ये हिसाब किताब कर रहा हूं कि जो चीज 1100 की थी वो एक साल बाद कितने इन्फ्लेशन की वजह से कितना हो जाएगा, 1155। तो बैंक वाला मुझे देगा कितना? मैं जमा तो 1000 ही कर रहा हूं, और 1155 की चीज हो गई, तो बैंक वाला जो परसेंटेज देगा वो कितना देगा? 15.5%। मैं अभी और समझाऊंगा, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, मैं फॉर्मूले पे आ रहा हूं। मेरे ख्याल से इसको नोट करने की जरूरत है, सर रहने दीजिए बाद में देखेंगे। देखो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, काम आएगा ये फॉर्मूला। मुझे निकालना है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। समझाऊंगा एक बार फॉर्मूला, जो आपकी किताबों में फॉर्मूला लिखा है हम यूज नहीं करेंगे फॉर्मूले को, पर जो आपकी किताबों में लिखा है वो कम से कम लिखवा देता हूं। एनडीआर 1+RDR 1+ inflation -1 और लास्ट में परसेंटेज में लाना है तो into 100 लगा दें। फैक्टर इनटू फैक्टर समझाऊंगा, मैं बोलूंगा बस मुझे आंसर देते जाना, चीजें बाद में समझ में आ जाएगी, पहले मुझे आंसर देते जाना। फैक्टर इनटू फैक्टर का मतलब क्या होता है? सुनो बात को, कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेशन पे जाए फिर लॉजिक पे जाएंगे। पहले कैलकुलेशन समझ लो फिर लॉजिक पे चल रहा है। सुनना ध्यान से रियल कितना है 10% और इन्फ्लेशन कितना है 5%। तो मालूम है फैक्टर इनटू फैक्टर करो, वैसे तो 10 और 5 15 होता है, इन्फ्लेशन मिलाकर रियल है 10 इन्फ्लेशन है 5। तो वैसे अगर कोई मुझसे नॉमिनल बोलेगा तो 10 और 5 15, बहुत सारे बुक्स में ऐसा किया गया, हमें ICAI से मतलब है। वो लोग क्या करते हैं, 10% का फैक्टर 1.10 और 5% का फैक्टर इंटू 1.05 -1 और into 100 कर देते हैं, तो आंसर आ गया 15.5%। फिर से बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10% का फैक्टर क्या आ गया 1.10 और 5% का फैक्टर कितना आ गया 1.05। 1.10 into 1.05 -1 into 100, तो ये आ गया 15.5%। 1.10 into 1.05 जो भी आया वो आया 1.155 -1 कर देना। मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट प्रिंसिपल भी पड़ता है और जो कमा रहे उस पर भी पड़ता है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं कैलकुलेशन पे जा रहा हूं, अभी सिर्फ कैलकुलेशन है, फैक्टर इनटू फैक्टर कर रहा हूं।
वन अभी लिखोगे, लिखना नहीं है बस सुनना है, आंसर चाहिए मुझे आंसर। रियल 12%, इन्फ्लेशन 6%, नॉमिनल बोलो। रियल है 12%, इन्फ्लेशन है 6%, नॉमिनल चाहिए मुझे। एक आंसर आया है 18.72%, रियल है 12%, इन्फ्लेशन है 6%, आंसर चाहिए नॉमिनल। 1.12 × 1.06 − 1 × 100, 18.72%। हाँ जी सभी का सही है, 18.72%। हाँ शिवांगी, निशिता, सभी का सही है। अभी पूरा फोकस सर, ये लॉजिक फिर से समझाओगे क्यों, एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले कैलकुलेशन कर ले फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं वापस। अभी सुनो, नॉमिनल है 15%। अब सुनना, नॉमिनल है 15%, इन्फ्लेशन है 5%, रियल बता सकते हो क्या? चैलेंज, नॉमिनल है 15%, इन्फ्लेशन है 5%, कोई है जो रियल बता सकता है? रियल अंश का आंसर आ रहा 9.52%, शुभांशु का भी 9.4, मतलब करोगे क्या? फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर। अच्छा सर, मतलब 9.52 सही है। अब थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ेगी याद करने वाली। सर अगर हमको नॉमिनल में पहुंचना है, मतलब वैसे तो प्लस करते हैं, रियल में इन्फ्लेशन प्लस की जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई, फैक्टर इंटू फैक्टर। और अगर हमको सर नॉमिनल से रियल पे पहुंचना तो इन्फ्लेशन हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड, फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर, 1.15 डिवाइडेड बाय 1.05। एग्जांपल लिखो, दो एग्जांपल लिख पाऊंगा, दोनों एग्जांपल से हमको आइडिया होगा कि कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1, हाँ जी कॉपी में होना चाहिए कि ये कैसे निकलता है। रियल डिस्काउंटिंग रेट 17%, इन्फ्लेशन रेट 4%, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट ? लिख लो, काम आएगा। स्पीड चाहिए मुझे फॉर्मूले से मतलब ही नहीं है, फैक्टर इनटू फैक्टर करना याद रखना, नॉमिनल पे जाना मतलब इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा। मतलब सर सीधा कर लेते हैं, एनडीआर इज इक्वल टू फैक्टर इनटू फैक्टर 1.17, 1.04 माइनस 1 और इनटू क्या कर दोगे? 100, 21.68% है, 12। हाँ जी बिल्कुल सही है, 21.68%। सभी का सही है। और दूसरा जो पूछा था वही एक बार लिखवा देता हूं, टेंशन खत्म। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट 18%,
इन्फ्लेशन 5%, रियल डिस्काउंटिंग रेट, इन्फ्लेशन हटाना है, इन्फ्लेशन को हटा के बोलो, हटाना है मतलब डिवाइड, आंसर विजयंती आ रहा है 12.38%, मतलब 1.18 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1 और इनटू क्या कर दोगे 100, आंसर कितना आ रहा है 12.38%, 3839 चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी, पहला डॉट रियल कैश फ्लोस, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, शुड बी डिस्काउंटेड विथ रियल डिस्काउंटिंग रेट। एक बात कसम खाना, अगर इन्फ्लेशन नहीं है, कैश फ्लो में भी इन्फ्लेशन मत डालना, डिस्काउंटिंग रेट में भी इन्फ्लेशन मत डालना। रियल कैश फ्लो कभी भी जो डिस्काउंटिंग होगा वो किससे होगा, रियल डिस्काउंटिंग रेट से। लेकिन जब अगर आप कैश फ्लो में इन्फ्लेशन ऐड करोगे, एडजस्ट करोगे, तो डिस्काउंटिंग रेट में भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं दूसरी बात लिखवाने जा रहा हूं, नॉमिनल कैश फ्लोस शुड बी डिस्काउंटेड विथ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। ये दो चीजें याद रहेगी तो बात खत्म हो जाएगी। इट मीन्स हमको एक बात याद रखना कि अगर रियल कैश फ्लो दिया है तो रियल डिस्काउंटिंग रेट, नॉमिनल कैश फ्लो दिया तो नॉमिनल डिस्काउंट। ICAI क्या करने वाला है, ICAI क्वेश्चन में आपको दे देगा रियल कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग करने के लिए बोलेगा, डिस्काउंटिंग रेट देगा नॉमिनल, उल्टा सीधा करेगा। वो आपको एक चीज मिसिंग दे देगा, रियल दे देगा, इन्फ्लेशन दे देगा और नॉमिनल। सर एक आध एग्जांपल कराओ तो उस बात समझ में आएगी। ये लिख लिया है, एग्जांपल से सारी बात समझ में आएगी। हाँ जी लिख लिया है सर, एग्जांपल लिखोगे ध्यान से, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ₹1,00,000, कैश फ्लोस 1, 2, 3 70,000, 50,000, 40,000,
डिस्काउंटिंग रेट 10% पर एन, कैलकुलेट एनपीवी, एज्यूमिंग नो इन्फ्लेशन, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन है ही नहीं है आपको, इट मींस ये जो कैश फ्लो दिया है वो रियल कैश फ्लो दिया है, जो डिस्काउंटिंग रेट है वो रियल डिस्काउंटिंग रेट है, और आपको एनपीवी निकालना है। सर डिवाइड वाले तरीके से करना है कि फैक्टर वाले तरीके से, कुछ से भी कर सकते हैं, मैं डिवाइड वाले फैक्टर वाले तरीके से कर रहा हूं, बात खत्म हो जाएगी। इट मींस अब मैं एनपीवी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एनपीवी इट मींस दोनों की चीज, दोनों चीजें विदाउट इन्फ्लेशन, रियल कैश फ्लो एंड रियल डिस्काउंटिंग रेट, रियल कैश फ्लो एंड रियल डिस्काउंटिंग, एनपीवी निकालने की कोशिश कर रहा हूं और फैक्टर वाले तरीके से कर रहा हूं, वैसे डिवाइड वाले तरीके से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा। एनपीवी इज इक्वल टू, आंसर आ गया तनिष्क का 35011, वैजंती का भी 3. डिवाइड वाले तरीके, ठीक है सभी का डिवाइड। सर अंश एनपीवी चाहिए मुझे 35011 आ रहा है सभी लोगों का लगभग, अच्छा फैक्टर को यूज कर रहे तो 34970, ठीक है मैं दोनों तरीके से कर लेता हूं। 70,000 डिवाइड, पहले डिवाइड से 1.10 पावर 1 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 माइनस क्या करोगे 100,000 डिवाइड से, आंसर कितना आ रहा है 35011। क्या फैक्टर वाले से भी कर सकते हैं कुछ? हाँ सर कैसे, बात तो एक ही ना, बात एक नहीं, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। 70,000 10% का फैक्टर क्या आएगा 0.909, 50,000 इंटू 0.826 प्लस 40,000 0.751 माइनस 100,000, आंसर बोलो 34970। हाँ 826 लिखा, 0.826 ही तो है, हाँ 0.751 ठीक है इतना तो याद रहता है, आंसर बोलो आंसर आंसर 34970। सर दो दो से करना है कि एग्जाम में, दो से नहीं करना एक से ही करना, पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। ठीक है अब लिखोगे पॉइंट नंबर 1 हो गया ना, अब लिखोगे पॉइंट नंबर 2। सपोज इन्फ्लेशन रेट 5% पर एनम, 41 का जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ फैक्टर की वजह से आ रहा है, आप उसे इग्नोर कर दीजिए चल जाएगा। मैं कह रहा हूं पॉइंट नंबर 2, सपोज इन्फ्लेशन रेट है 5% पर एनम, देन कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंट। उसी एग्जांपल में जो कैश फ्लो आ रहे थे 70,000 वो रियल थे, उसमें हमें इन्फ्लेशन जोड़ना है
5% यहां भी जोड़ना यहां भी जोड़ना। पहले रियल कैश फ्लो को नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करोगे, फिर रियल डिस्काउंटिंग रेट को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद फिर हमको एनपीवी निकालना है। ये एनपीवी बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करते आ रहे हैं हम आज तक। अब इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना है, इट मीन्स मुझे कैश फ्लो कौन सा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कैश फ्लो निकालना पड़ेगा नॉमिनल कैश फ्लो। तो चलो काम करते हैं। पहला काम, हमें निकालना पड़ेगा नॉमिनल कैश फ्लोस। ईयर और नॉमिनल कैश फ्लो, बताओ फर्स्ट ईयर का कितना आएगा। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट 15.5% सही है, पहले नॉमिनल कैश फ्लो निकाल लें हम लोग। पहला कितना है 70,000, कितने परसेंट से बढ़ाना है 5%। ठीक है निशिता सही है, विजंती सही है, 73,500। सेकेंड ईयर का चाहिए, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का एक आंसर आ रहा है 55125। कैसे निकालोगे, 50,000 प्लस 5% प्लस 5%, 55125 करेक्ट आंसर। थर्ड ईयर का चाहिए 40,000, थर्ड ईयर का 46305 करेक्ट आंसर, 46305। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, एक तो ये हो गया नॉमिनल कैश फ्लो, और दूसरे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट, फैक्टर इनटू फैक्टर्स, मतलब सर 1.10 इंटू 1.05 माइनस 1 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 15.5% पर है ना। चलो अब एनपीवी निकलते हैं। (73,500)/5.15 / (5.125)/2 / (46305)/1.155)/3 और माइनस कितना करोगे, 1,00,000। हाँ वो तो आज का ही है ना, प्रोजेक्ट में तो आज ही पैसा लगा रहा है इसलिए 1,00,000। क्या आंसर, हाँ डिवाइड वाले तरीके से कर रहा है मैं, फैक्टर वाले से भी, क्या आंसर वही आएगा जो पहले निकला था। हाँ जी निशांत, सेम एनपीवी आएगा, यस आंसर आ गया, और आंसर आ गया 35011। ठीक है, और 35, और पहले आंसर कितना आया था जब रियल रियल को कर रहे थे तो 35011, और इससे भी आंसर कितना आ रहा है 35011। क्यों आंसर एक जैसा आ रहा है, क्योंकि दोनों में इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया, 1.05। हाँ एक ही बात है, एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में या तो नॉमिनल नॉमिनल कर लेना या तो रियल रियल कर दे, ठीक है वो आपके, आपको आईसीएआई क्या देगा, मेरी बात समझ, आईसीएआई आपके साथ खेलेगा, कैसे खेलेगा, आपको कैश फ्लो दे देगा नॉमिनल,
और डिस्काउंटिंग रेट दे देगा रियल, किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतना सा याद रखना, डिस्काउंटिंग रेट को कन्वर्ट कर देना या तो कैश फ्लो को कन्वर्ट कर देना, आप पर डिपेंड करता है। अच्छा फैक्टर वाले तरीके से भी हो सकता है, मैं फैक्टर वाले तरीके से कर रहा हूं, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909 अच्छा डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 1 फैक्टर, पहले साल का फैक्टर कैसे आएगा यार 15.5% का 1 डिवाइडेड बाय 1.155 अच्छा ये सॉरी 0.6 ये पहले साल का फैक्टर हो गया 750 ये दूसरे साल का फैक्टर हो गया, ये तीसरे साल का फैक्टर हो गया ठीक। ये कितने परसेंट का फैक्टर है? ये 0.909.826.751 हाँ 750 में 751 ले रहा हूं बिल्कुल सही। ये कितने परसेंट का फैक्टर है कोई बता सकता है? 10% का फैक्टर, सुनो भाई काम की चीज है, बहुत काम की चीज है ये 10% का फैक्टर। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं इन्फ्लेशन के रेट से तो क्या आंसर यही आएगा? अगर इसको डिवाइड कर देता हूं मैं इन्फ्लेशन के रेट से तो क्या आंसर यही आएगा? लो कौन मैथमेटिक्स है, पहले 10% से फिर 5% से और भी आंसर तो यही आना है ना यार, आप तो 15.5% से कर रहे हो, आंसर सेम आएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना अच्छे से आता है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे 1 डिवाइडेड बाय 1.55 और काम करते जाते हो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.155 करूंगा तो आंसर आएगा 0.866.750.649। मेरा ये कहना है अगर 10% का मुझे फैक्टर मालूम है और उसको मैंने, ये रियल है, और उसको मैंने 5% से और डिवाइड किया तो क्या आंसर यही आएगा? यस, ऐसा भी हो सकता है। सर ये टाइम पास मत करो, सीधा सीधा फैक्टर किससे निकालोगे? 15.5 है ना, तो 15.5 से निकालते बात खत्म करते हैं, तो आंसर तो फिर तो आ जाएगा। एनपीवी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एनपीवी इज इक्वल टू 73,500, पहले साल का फैक्टर कितना आया था 0.866.55125, दूसरे साल का फैक्टर 0.750 प्लस 46305, तीसरे साल का फैक्टर माइनस क्या करोगे 1,00,000, आंसर कितना आ गया? नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, आंसर चाहिए मुझे। अंश कैसे आ रहा है? ईशा सही है 35047 जी, जो फैक्टर लिखा है उसके हिसाब से 35046 हाँ मानसी सही है। चलो एक चैलेंज वाला एग्जांपल,
और उसके बाद सीधा एग्जाम के क्वेश्चन। एक चीज पर याद रखना, रियल को रियल से और नॉमिनल को नॉमिनल से। हाँ जी, चैलेंज वाला क्वेश्चन है, चैलेंज वाला जो करके बताया एग्जाम्पल। मैं टाइम दूंगा आपको, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर पता नहीं, कोई जो भी चल रहा हो। ईयर नॉमिनल कैश फ्लोस 1, 2, 3। $40,000, $30,000 और $25,000। ईयर दिया है और नॉमिनल कैश फ्लो दिया है। और लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ₹50,000, इन्फ्लेशन रेट 5% पर है ना, प्रेजेंट वाली फैक्टर दे देता हूं मैं आपको। इसके हिसाब से रियल डिस्काउंटिंग रेट 1st year का फैक्टर है 0.16। हाँ वो क्यों दूंगा, बता रहा हूं ना, फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.890, और सर सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.792, और थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.704। किसके हिसाब से, रियल के हिसाब से। कैलकुलेट एनपीवी। अभी रुको, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म नहीं। आप होते तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, याद रखना। नॉमिनल कैश फ्लो को अगर डिस्काउंटिंग करना है तो रेट कौन सा चाहिए, नॉमिनल, या तो फिर दो ही तरीके हैं। ये जो रियल डिस्काउंटिंग रेट है इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, नॉमिनल, या तो फिर जो नॉमिनल कैश फ्लो इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, रियल। सुनो ध्यान से, जो नॉमिनल कैश फ्लो है उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, रियल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट दिया। और जैसे ही आप इसको रियल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाए। भाई प्लीज आप समझने की कोशिश करो, आप होते तो आप किस तरह से काम कर सकते थे। नॉमिनल कैश फ्लो से इन्फ्लेशन हटाते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते, रियल, और रियल डिस्काउंटिंग रेट का फैक्टर तो दिया ही हुआ। तो वही मैं पूछ रहा हूं, कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंट। हाँ निशांत, आपका आंसर है 36902, पर मैं जैसे चाह रहा हूं। तनिष्क का आंसर है हटा दिया उन्होंने, तनिष्क का आंसर है 20659। अब मैं वेट कर रहा हूं सभी के आंसर का, सोच समझ के।
वैजयंती 20659 रोहन का भी आंसर है 20659। वाओ, अब आंसर अलग अलग आना स्टार्ट हो गए। टू जीरो सिक्स सिक्स जीरो अंकुश, 20644, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई। विनय 25580, 30808, सबके आंसर अलग अलग है भाई, सबके आंसर। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बहुत हो गए, अब मेरी बात समझने की कोशिश कर। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि मैं यहां टाइम पास करवा रहा, याद करो मैं ऐसा कुछ कर रहा था यहां, अजीब सा काम। सर काम क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि मुझे रियल डिस्काउंटिंग रेट का फैक्टर पता था, याद करो ये निकाला कैसे था आप लोगों ने, बस ये बताओ ये निकाला कैसे था। सर हमने सीधा 15. हाँ जी, कुशल का भी आंसर आ गया। मेरा क्वेश्चन है कि ये कैसे आ रहा है? एक तरीका जो आपने बताया कि सर 1/1.155 कर लेंगे, पर मैंने और भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कह रहा था यार इसका और एक तरीका था, और एक तरीका था 10% का फैक्टर। 10% कौन सा रेट था? सर रियल डिस्काउंटिंग रेट था, और उसका फैक्टर था 0.909, और सेकेंड ईयर का फैक्टर था 0.826, और थर्ड ईयर का फैक्टर था 0.751। एग्री? हाँ बिल्कुल सही। और इसी फैक्टर को मैं डिवाइड कर रहा था 1.05 से, और इस फैक्टर को डिवाइड कर रहा था मैं 1.052 से। इट मींस अगर मैं ये शब्द नहीं देता कि नॉमिनल कैश फ्लो और एनडीआर को यूज कीजिए तो आपके लिए आसान था, बस मैंने ये दे दिया। इट मींस अब मुझे फैक्टर निकालना है। अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 0.890 डिवाइड किससे करोगे यहां, 1.05, और दूसरा फैक्टर क्या था 0.792 डिवाइड करोगे 1.05, और तीसरा था 0.704। ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है पर आ सकता है। आंसर फैक्टर बताते जाओ, 0.89 डिवाइड 1.04, 0.8 0.718 0.608। और बच्चों को लग रहा मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गया है इतने स्पीड से। चलो अब निकाल रहा है एनपीवी 40,000 इंटू 0.848 प्लस 20,000 इंटू 0.718 प्लस 25,000 इंटू 0.608 माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग, 50,000। एनपीवी कितना आ गया, 20660। हाँ जी विनय सही है, विजयंती सही है, बस कॉन्सेप्ट बस इतना था, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको क्या है। चलो आ जाए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करें, एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, आइडिया होगा कि कैसे है करके क्वेश्चन। हाँ जी बुक है तो बुक ओपन कर लीजिएगा, जिन लोगों को बुक मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 44। सर ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये ICAI हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और अगर स्टडी मटेरियल में जाओगे तो कैपिटल बस्टिंग में
टेस्ट योर नॉलेज, मतलब लास्ट में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया रहता ना उसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो नया स्टडी मटेरियल है AFM उसका ये क्वेश्चन डाल के रखा है, और प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से बनाएंगे विथ प्रेजेंटेशन। हाँ जी विथ प्रेजेंटेशन, अगर नहीं भी बुक आई है तो चिंता मत करो, ये दिख रहा है क्वेश्चन और देखकर काम करेंगे हम। जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल होगा तो अपना SM देख लेना, क्वेश्चन नंबर 17 है SM में, पढ़ना है क्वेश्चन को, बनाना है क्वेश्चन। लिखा अ फर्म हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट अंडर इवेल्युएशन। कैश फ्लो 0-70 मतलब 70 लाख रुपए जा रहा है, और पहले साल में आएगा 30 लाख, दूसरे साल में आएगा 40 लाख, तीसरे साल में आएगा 30 लाख। अब ये जो कैश फ्लो है ये रियल है या नॉमिनल? द अबो कैश फ्लो हैव बीन मेट एट एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर रिकॉग्निंग इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल कैश फ्लो जो दिया है वो कौन सा दिया है? नॉमिनल कैश। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है? 10%। ये 10% रियल डिस्काउंटिंग रेट है या नॉमिनल? कैश फ्लो नॉमिनल है, साफ साफ लिखा है कि कैश फ्लो में नॉमिनल कैश फ्लो है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कैश फ्लो है। और लेकिन मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है ये क्या दिया है, नॉमिनल दिया होगा कि रियल दिया होगा? रियल। वजह? रियल डिस्काउंटिंग रेट है, सही है, पर रियल डिस्काउंटिंग रेट है ये कैसे पता लग रहा कि ये रियल डिस्काउंटिंग रेट? हाँ जी रियल है। पहली बात, अगर कहीं कुछ ना लिखा हो, कहीं कुछ ना लिखा हो, अगर यहां कुछ भी नहीं लिखा रहता इन्फ्लेशन के विषय में तो मैं इसको रियल कैश फ्लो मानता। ठीक है, इन्फ्लेशन दिया है तो हमको मतलब ये कौन सा है? रियल। इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 5%। आपको बताना वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इवेल्युएट। हाँ जी कुछ नहीं बोला है तो ये तो अगर ये कुछ नहीं बोलता, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये कुछ भी नहीं बोलता, यहां ये नहीं बोलता कि इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा है करके, फिर से क्वेश्चन। हाँ जी कुछ बच्चों का कहना सर अलग से इन्फ्लेशन दिया है ना, अगर अलग से इन्फ्लेशन दिया है तो ये रियल डिस्काउंटिंग रेट। अच्छा मैं कह रहा हूं कि अगर ये लाइन नहीं लिखी रहती यहां कि इसमें भी इसको इन्फ्लेशन, ये लाइन नहीं लिखी रहती तो इसको क्या मानते? इसको भी रियल मानते। मेरा कहना कि अगर ये लाइन नहीं लिखी रहती कि यार इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्ट हुआ तो इसको भी मैं रियल मानता। ठीक है जी, ठीक है सर, अभी तो कोई समस्या नहीं है। हमें क्या निकालना है? एनपीवी, और एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे। कैसे करना चाहते हो? करना कैसे चाहते हो जरा बताओ, दो तरीके करने के। सर आईसीएआई ने कैसे करा? आईसीएआई ने दोनों अल्टरनेटिव से कर लिया, मतलब ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन है इसमें तो इसको भी हम किसमें कन्वर्ट कर दे, इसको भी सर हम नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट करते और एनपीवी निकाल ले। ठीक है, कॉस्ट को कन्वर्ट करते एनडीआर निकालते और एनपीवी निकालते। ठीक तो करे, यस क्वेश्चन नंबर 44 लिख लोगे एज पर आईसीएआई कीजिए। सर आईसीएआई ने आंसर भी निकाल लिया बच्चों ने एनपीवी, एज पर आईसीएआई ने दोनों तरीके से कर रखा है, अल्टरनेटिव वन अल्टरनेटिव टू, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आंसर एक ही आना। तो वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट, और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू वन, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 1.10 1.05
माइनस क्या कर दोगे 1 और लास्ट में 200 आ जाएगा। आंसर हे भगवान, एग्जाम में बस 15.5 मत लिख देना, कुछ और आएगा तो वैसे काम करना। 15.50% करेक्ट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे? आईसीएआई का प्रेजेंटेशन के हिसाब से बना रहे, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं कि 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब हालांकि वो जमाना नहीं रहा 8 नंबर वाला। मैं टेबल बना के कर रहा हूं, जिन बच्चों को एक लाइन में करना है कर सकता है। मैं टेबल बनाकर कर रहा हूं। ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कौन सा वाला लेने हैं, हम किस किस को यूज कर रहे हैं, यहां लिख लेना। हम सर नॉमिनल कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, किससे? नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से। नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से, और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट हमने कितना लिया है, कितने परसेंट के हिसाब से? 15.5% के हिसाब से। और यहां क्या आ जाएगा? अमाउंट। और यहां क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करते हैं। टाइम ना रहे क्योंकि आरटीआई से जो आंसर शीट आती है वो आपके नंबर कार्ड देता है, तो कोशिश करना जितना हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो। अगर नंबर चाहिए तो मैंने बहुत सारे बच्चों के आंसर शीट चेक किया, उनका ये कहना है जो चेक होकर आती है कि सर 8 नंबर का क्वेश्चन था, हमको 3 ही नंबर मिला, और हालांकि एक्यूरेट है आंसर। कोशिश करना, अगर टाइम नहीं है तो अलग बात है, पर कोशिश करना प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो। ठीक है सर, तो सबसे पहले क्या जाएगा? कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जीरो, वन। क्या ये काम रुपीज इन लैक्स में हो रहा है? रुपीज इन लैक्स लिख दीजिएगा। कितना लगाना है आज प्रोजेक्ट में? क्वेश्चन नहीं है यार, 70 लाख। और 70 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 70 लाख। ठीक है, कैश इनफ्लोस। और कैश इनफ्लोस में कौन सा वाला कैश फ्लो ले रहे हो आप? नॉमिनल कैश फ्लोस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कितना यार? 30, 40, 30। 30, 40, 30 फैक्टर्स, 1 / 1.155, 0.866, 0.750, 0.649। हाँ, एनपीवी निकाल लिया बच्चों ने, हम थोड़े से अभी आराम से चल रहे, 0.866। तो सर ये आ गया 25.98, और ये आ गया सर 30, और ये आ गया 19.47। कुछ बच्चों का कहना है कि आजकल इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, पहले तो थे ही नहीं, अभी आया नहीं, न्यू स्टडी मैट में पहले तो ये क्वेश्चन थे ही नहीं, अभी अभी आए हुए।
तो पीवीसीआई कितना आ गया हमारा, एनपीवी पीवीसीआई 75.45। तो क्या एनपीवी निकल सकता है? यस 75.45 माइनस 70, आंसर आ गया 5.45। क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? यस एनपीवी पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट इज वायबल। ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे भजन, आएंगे क्वेश्चन, आएंगे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 45 आपकी बुक का, और स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन है, और स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर है 18। अगर जिन लोगों को बुक नहीं भी मिली है वो स्टडी मटेरियल चेक कर सकता है, तो स्टडी मटेरियल में टेस्ट योर नॉलेज करके क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा। हाँ जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी मिलेंगे आपको और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल मिलेंगे। तो जो इजी है कम से कम वो तो आएगा, अभी आपको टेस्ट में समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ क्या ये आपसे हो सकता है। हाँ एक बार पढ़कर बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। तीस चालीस तीस जो कैश फ्लो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर इन्फ्लेशन दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, कुछ ना कहा जाए तो रियल की नॉमिनल, तो रियल हुआ ये तो ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 5%। सो हाउ द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी इवैल्यूएट। समस्या ये है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। सीधा करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप रियल डिस्काउंटिंग रेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट में कन्वर्ट कर दोगे और एनपीवी निकालोगे, बिल्कुल, या फिर नॉमिनल कैश फ्लो को रियल कैश फ्लो में कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। अल्टरनेटिव वन, आप रियल कैश फ्लो और रियल डिस्काउंटिंग रेट ले सकते हो, और इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रियल कैश फ्लो में। और अल्टरनेटिव टू है कि नॉमिनल कैश फ्लो दिया हुआ है और आपको जो डिस्काउंटिंग रेट है वो कौन सा डिस्काउंटिंग रेट? नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा और बात खत्म हो जाएगी। होमवर्क है कुछ, होमवर्क ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करोगे। वैसे भी रात में बहुत ज्यादा चैटिंग करते हो, होमवर्क और मैंने कल ही बोला था कि होमवर्क देने वाला हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सर फैक्टर दिया है तो क्या हमें वही फैक्टर यूज करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। हाँ होमवर्क कॉपी में करोगे, होमवर्क कॉपी में।
फिर से बोल रहा हूं, इसको जो बनाओगे क्वेश्चन सेम है, आप होमवर्क कॉपी में करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि सर फैक्टर दिया है तो क्या इन्हीं फैक्टर्स को यूज करना पड़ेगा? नहीं, आपने जो पिछला क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन है, आप ये वाला फैक्टर यूज कर सकते हो, इंस्टीट्यूट ने भी किया है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन बना ले, खत्म करेगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन कहां है? स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ते हैं, क्या क्या कर सकते हैं पहले सोचते हैं, क्या क्या कर सकते पढ़े एक बार क्वेश्चन। KLM requires कितना रुपए चाहिए? 15 लाख रुपए लगाने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट में। सैलवेज कितना दिया है? 0। और हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 5 लाख। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 3 साल। गिवन बिलो आर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। मतलब ये क्या दिया हुआ है? रियल जो भी दिया होगा, रियल कैश फ्लो। सेल्स दे रखा है 10 लाख, 13 लाख, 14 लाख, और कॉस्ट भी दे रखा है, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा नहीं है, 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख। CFAT निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट, जो आता हुआ आता CFBT, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और उसके बाद बहुत कुछ करते हैं। टैक्स का रेट है 35%। Assuming cost of capital to be 14%, the inflation rate for revenue and cost are as under 9% पहले साल inflation, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 6%, और cost में भी 10%, 9%, 7% और 14% के हिसाब से factor दे रहा है। और अमाउंट जो है वो नियरेस्ट रुपीस में करना है और आपको NPV निकालना है। दैट्स इट। सोचो कैसे करेंगे। किसी बच्चे को लग रहा था कि सर आसान क्वेश्चन आता, इतना आसान नहीं आता, तो ये लो मुश्किल हो गए। क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन? ये रियल है, इसको नॉमिनल बनाते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है यार। क्योंकि मेरी बात समझो, मेरी बात समझना, इन्फ्लेशन का रेट अलग अलग है, तो आप इसको कन्वर्ट रियल में आप कर ही नहीं सकते। आप डिस्काउंटिंग रेट वगैरह बाद में, जब भी इन्फ्लेशन रेट अलग अलग दिया रहेगा, आपको नॉमिनल कैश फ्लो लेकर ही काम करना होगा। इन्फ्लेशन का रेट अलग अलग, चाहो तो लिख लेना, अगर इन्फ्लेशन का रेट रेवेन्यू में अलग है, कॉस्ट में अलग है, सब में इन्फ्लेशन अलग अलग है, तो आपको किसी भी हालत में नॉमिनल कैश फ्लो से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पहला काम करें, रेवेन्यू कितने कितने परसेंट से बढ़ाना है? 9%, 8%। तो पहले नॉमिनल कैश फ्लो, पहले नॉमिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू निकालते हैं। वर्किंग नोट करके करेंगे। लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू। आफ्टर इन्फ्लेशन ईयर 1, बढ़ाओ कितने परसेंट से इन्फ्लेशन है रेवेन्यू में? 9%। बताओ कितना आएगा? 10 लाख इंटू 1.09, तो 10 लाख इंटू 1.09, तो सर ये आ गया 10,90,000। बिल्कुल सही ईशा। अब ऐसा है तो सेकेंड ईयर का बता दो, रेवेन्यू की बात करो सेकेंड ईयर।
13 लाख। सेकेंड ईयर का आंसर चाहिए? आंसर आ रहा 1530360 अभी का 1.09 नहीं इंटू 1.08। पहले साल 9% से फिर 8% से पढ़े। आंसर कितना आ गया फाइनल 1530 1530। थर्ड ईयर का बोलो 14 लाख इंटू 1.09 1.08 इंटू 1.06 17 लाख 40 हजार 1746 1746965। वर्किंग नोट नंबर 2 अभी क्या निकाल रहा है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट आफ्टर इन्फ्लेशन, लिख लेना आफ्टर इन्फ्लेशन। हाँ डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। अब जब हम सीएफएटी निकालेंगे तो बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन का क्या करना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पांच लाख इंटू इन्फ्लेशन का रेट कितना है 1.10, तो यहां कितना जाएगा 550,000 और 6 लाख 1.10 और 1.09, तो 7971940। और इसके बाद 6,50,000 1.10 1.09 और उसके बाद 1.07 8339 05। ठीक है, ये दो चीजें पता है तो अब सीधा एनपीवी निकाल रहा है। ठीक, देखोगे मेरे साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। आप क्या यूज कर रहे हो? नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। कितना साल है? 3। वन टू थ्री। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना था? 10,90,000 15,30,360 17,46,665।
इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट, सबके सब आफ्टर इन्फ्लेशन ले रहे हैं हम लोग, है ना, 7,19,000 और रेवेन्यू में से सारे कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सी एफ बी टी, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। इसमें से फिर क्या माइनस करेंगे हम, डेप्रिसिएशन। अच्छा आंसर आ गया 5,40,000, 8,10,960 और 9,23,000। अच्छा ये गलत आंसर है, मैं देखकर लिख लिया था, 9,13,060 बिल्कुल 9,13,000। ठीक है ईशा, थैंक यू। अब इसमें से माइनस क्या करना है यार, डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते, मैं लॉजिक समझाया था, बाद में हम प्लस भी कर देंगे, पर डेप्रिसिएशन कितना है 5,00,000। डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता, नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन किसी को देना थोड़ी ना होता है कि महंगा हो गया कर, डेप्रिसिएशन पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, कहीं लिख लेना कॉपी में, डेप्रिसिएशन पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सर यहां कितना आएगा, 5,00,000, 5,00,000 और 5,00,000, हाँ टैक्स सेविंग्स, टैक्स सेविंग का फर्क पड़ेगा इसलिए हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल सही तनिष। तो यहां आ गया पीबीटी, चालीस हजार, 3,10,960, 4,13,060। अब हमको क्या करना है, टैक्स निकालना है, टैक्स का रेट दिया है क्या, टैक्स का रेट 35%, पॉइंट 35 × 40,000, 1,08,836, 1,44,571। ईशा किस चीज का आंसर दे रहा है मुझे ये समझ में नहीं आया, ये दे रहे हैं बीच वाला आंसर नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को एड बैक करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसके बाद डेप्रिसिएशन एड बैक करोगे तो क्या जाएगा, सी एफ ए टी। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स
540,000 माइनस 14,000, 526,000। मैं डायरेक्ट आप भी सही कर रहे हो, अगर आप पैट निकाल के डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, 810, 960 माइनस 108836 7024, 913,060 माइनस 144571 7684849। हाँ जी बिल्कुल सही, और यही कर देते हैं हम इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और याद रखना कि कौन सा रेट लेना है, नॉमिनल के रियल, नॉमिनल नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना है। नॉमिनल कैश फ्लो है तो नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना है, सिंपल। हाँ ईशा, तो अब सवाल ये है कि ढूंढो कहां है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। क्वेश्चन चलो जी बता दो कि नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट ये जो दिया है कितना परसेंट, 14%। ये नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट है या रियल डिस्काउंटिंग रेट, 14% सही है, 14% फैक्टर वही दे रखा है। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट है कि रियल डिस्काउंटिंग रेट, क्वेश्चन बस इतना सा, नॉमिनल या रियल। अगर ये रियल है तो अगर है हिम्मत तो इसको नॉमिनल बनाकर बता दो। हाँ सबका कहना, सबका ये कहना, सबका आंसर ये आ रहा है कि सर ये रियल है, अगर ये रियल है तो नॉमिनल बनाकर बता दो फिर। तो भाई सिंपल सी बात है, बाद में डिस्कस करो। एक बात समझ लो, जहां भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग है, अलग अलग है, तो जो भी रेट दिया रहेगा वो कभी भी आपको रियल नहीं दिया रहेगा। सर इसको याद करना पड़ेगा कि हाँ कॉमन सेंस है, आप बस इतना समझने की कोशिश करो, जहां भी रेट अलग अलग चीज में अलग अलग इन्फ्लेशन का रेट दिया रहेगा इसको कभी भी आप रियल मान ही नहीं सकते, इसको नॉमिनल मानना पड़ेगा। और सर फैक्टर दिया है क्या, यस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, तो चलो काम करें, बस खत्म कर रहे हैं। फैक्टर कितना परसेंट, 14%। फैक्टर क्या क्या दिया हुआ है, 877769.877.769.0.675। तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, फोर सिक्स वन थ्री जीरो टू सेवन जीरो टू वन टू फोर इंटू पॉइंट सेवन सिक्स नाइन फाइव थ्री नाइन नाइन थ्री थ्री सेवन सिक्स एट फोर एट नाइन इंटू पॉइंट सिक्स सेवन फाइव फाइव वन एट सेवन थ्री जीरो। तो फाइनली पीवीसीआई टोटल कितना आ रहा है, 1511
9965, ठीक है प्रशांत, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना, 15 लाख, एनपीवी आ गया, वन नाइन नाइन सिक्स फाइव। तो थोड़ी कहानी भी लिख देते सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव। Project should be accepted. जहां पे एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट दिए उसको नॉमिनल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो हर साल का फिर फैक्टर अलग अलग आएगा। और प्रॉब्लम और भी है, इन्फ्लेशन का रेट रेवेन्यू में अलग दिया, कॉस्ट में अलग दिया। अब क्वेश्चन है कि सर इन्फ्लेशन का रेट रेवेन्यू और कॉस्ट का नहीं देता, बस इन्फ्लेशन रेट फर्स्ट ईयर का 9%, सेकंड ईयर का 8%, थर्ड कर सकते हैं, पर फैक्टर अलग अलग आएगा। पर हम बहुत ज्यादा डीप में ना जाए, तो सीधी सी बात है कि आपको एक बात समझना है, जहां अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है, तो फिर आपको जो भी डिस्काउंटिंग रेट है वो कौन सा मानना पड़ेगा, नॉमिनल मानना। एनडीआर और एनसीएफ शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे आईआरआर यूज कर सकते हैं ना, इंटरनल रेट हो, वैसे एनडीआर और एनसीएफ चलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, होमवर्क दिया हूं मैंने, वो क्वेश्चन आपको करना है। क्लास जो है वो अभी 10 दिन 8:30 तक ही रहेगी। सर रेट अगर बिफोर टैक्स होगा तब, उसको आफ्टर टैक्स करना होगा, वो अभी मैं करवाऊंगा, वो टॉपिक आएगा कि आफ्टर टैक्स, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का क्या करना है। अगर सिर्फ एक चीज का अलग अलग रेट दिया है तो पक्का आप साक्षी, हम वो कल डिस्कस कर लेंगे। अगर एक ही चीज का रेट अलग अलग दिया है तो क्या डिस्काउंटिंग रेट जो है उसको हम नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लास अगले 10 दिन तक 8:30 तक ही रहेगी, उसके बाद में आपकी क्लास ब्रेक लेके, मतलब 10 दिन बाद थोड़ा सा लंबा लिया करूंगा, 9 बजे के बाद भी, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन होमवर्क है, वो होमवर्क करोगी, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।